ऐसा शिंगे का नाम हो गया चेंज ब्रो ले बाइक पर पहले बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं होता था, जीरो, मतलब बीएसएनएल की सिम है वो भी कभी कभी चलती थी कभी कभी नहीं चलती थी। अभी यहाँ पर एयरटेल का नंबर चलने लगा। बहुत होशियार हो, मैं पहले से थी। बहुत होशियार, बहुत तेज हो, बहुत बढ़िया। लेट हो गया मेरे को। मैंने ये देखो भाई, पल्सर का टांगी हुई है, मैंने स्पेशली ब्रेक मार के कैमरा ऑन किया। वो देखो, वो जा रहा संतोष, वो रहा शिंगा। इनकी बाइकें ऐसी है ना, सीधा शॉर्टकट मार के आगे रोड पर पहुंच गए। भाई साहब, भाई साहब जल्दी से देख लो, ये नजारा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। 101 पे चल रही है हमारी बाइक, 101। जो बच्चा दब गया नीचे, भाई देख तो लो, बाइक दब गई, बच गया, बच्चे का पैर ही दबा दिया था। आंख बंद करके ऐसे खोलेंगे ले पहुंच जाएंगे। मेरे को लग रहा है आंख बंद करके खोलेंगे तो नदी में नदी पहुंच जाएंगे। ओए पैर बच्चू, ओए डरा रहे हो पैर वैर बच्चू, मतलब। सुबह के 10 बज गए। गुड मॉर्निंग राजू भाई। शिंगे की बाइक क्यों लेटी हुई है, इस पे लगाई है हमने एमसिल, हमने नहीं राजू भाई ने और शिंगे भाई ने। मैं तो अभी सो के उठा हूँ, आधा घंटा पहले लगाई है। सूख जाएगी टाइम से, ये आधा घंटे में सूख जाएगी ना, क्योंकि देखा था ना आपने रेडिएटर के वहाँ से ना ऑयल लीक हो रहा था, तो एमसिल लगा दी है, चली जाएगी ले तक, उसके बाद देखते फिर क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग भाइयो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबके सब उठे हुए नालो राम बहादुर। गुड मॉर्निंग, सबके सब उठे हुए हैं आज तो, चलो बढ़िया। अच्छा रेडी शेडी होके 11 बजे तक निकल जाएंगे भाई। बाहर का मौसम देखो क्या बढ़िया बादल हो रहे हैं ना। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार तो दिखाओ सुनिए भाई, आप रिक्वेस्ट करो ना भाई इनको, भाई आप रिक्वेस्ट करोगे ना तो ही मार दोगे भाई, आप रिक्वेस्ट करो ना भाई। चल तो बाजू में जोर से लिख देता हूं, क्या हो गया तो क्या हो गया, शिंगे का नाम चेंज हो गया आज से शिंगे का नाम हो गया चेंज ब्रो ले बाइक रेंट, रेंट कुछ लिखा हुआ है। अरे चेंज ब्रो, अच्छा चलो ठीक है, वो तो मैं समझ गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज से शिंगे का नाम क्या है चेंज, चेंज ब्रो, चेंज ब्रो। आपने नाश्ता कर लिया? कर लो कर लो, यहाँ पर भी नाश्ता कर रहे हैं। मेरे को भी दे दो अंडा ब्रेड दे दो, थैंक यू। चटनी भी मिल जाएगी, सॉस मिलेगी, ठीक है दे दो, चाय भी दे देना। तो शिंगे ने भी राजू भाई का नाम चेंज कर दिया है, क्या कर दिया भाई ये, क्या कर दिया, काजू भाई, काजू भाई, काजू बादाम, काजू भाई करोल बाग, काजू भाई करोल बाग, जैसे को तैसा करा ना, है ना। चेंज भाई जल्दी जल्दी खा लो फिर चेंज होके चले, वो मतलब चेंज करके चले, चेंज होके चले। वो देखो लोटस भाई भाग रहे हैं, वो देख रहे हो, देख रहे हो अभी कपड़े चेंज करके आएंगे फोटो क्लिक कराने के लिए। मैंने ऐसे खिंचवा लो, कह रहे नहीं, ये देखो ये कपड़े निकाल रहे हैं। तुम शर्माते इतना होना यार, इधर आओ यार, इधर आओ यार। ये देखो आगे आगे भाग रहे, कहाँ जा रहे तुम शिंगे भाई, कुछ समझाओ ना इनको भाई, सब अपनी भाषा में समझा रहे हैं वो तो। भाई मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो हालने में ना बहुत सारे आपको होमस्टे मिल जाएंगे, कॉटेजेस मिल जाएंगे, लेकिन ये अपना पहले डिफेंडर लेकर आए थे तब भी आए थे, उससे पहले थे तब भी आए थे, इस बार भी यहीं पर आए हैं। यहाँ पर ना अपने घर जैसा फील होता है, जब मन करे खाने को मिल जाता है, गर्म पानी आ रहा है, रूम अच्छा है, आमा कॉटेज के नाम से है। यहाँ पर आपको लोटस भाई मिलेंगे, पहले भी आपको बार बताया हुआ है, तो मैं इनको कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डाल दूँ। कह रहे हैं नंबर मत डालो, फिर बड़ी सारी लड़कियों के फोन आएंगे ना, मैं परेशान हो जाऊंगा। कहाँ गए ए लोटस भाई, अरे किधर चले गए ये बैठे है साहिबा। मैंने इनको बोला आपका नंबर डाल दो डिस्क्रिप्शन में, कह रहे फिर बड़ी सारी लड़कियों के फोन आएंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा। लोटस भाई डाल दूं क्या है, एक तो कैमरे के सामने इतना शर्माते हैं। एक बार सच बताओ उनको, फालतू फोन बहुत सारे आएंगे, आप ना परेशान हो जाओगे। नंबर नहीं डालता डिस्क्रिप्शन में, क्या यहीं पर इनका नाम आ रहा होगा, आमा कॉटेज का इनका नाम है, और यहाँ पर आके ना पूछ लेना लोटस भाई हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। हानले में जब भी देखो, हानले ना बहुत बंदे भी आजकल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उमलिंगला के चक्कर में। एक तो यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी दिखती है, दूसरा उमलिंगला यहाँ से ना 70 किलोमीटर, 70 जाना 70 आना, तो लोग क्या करते हैं ना, ले से हानले आते हैं, ले से हानले हैं 270 किलोमीटर, रात को यहीं रुकते हैं, सुबह उठ के उमलिंगला जाते हैं, फिर वापसी यहीं स्टे करते हैं, फिर वापसी वहाँ निकल जाते हैं ले। तो जिसको भी यहाँ रुकना हो भाई बहुत बढ़िया है। देखो मेरे को तो अच्छा लगा, आप कहते हो ना कुछ बढ़िया लगे तो बता दिया करो, तो मैंने आपको बता दी, बाकी आपकी मर्जी। चलो शिंगे भाई सामान सामान सारा बाहर आ गया, बाइक पे लगाना और गायब हो जाना है। मैंने दिखा रहा भाई, दिखा रहे कितने फोन आते हैं, इनका नंबर डाला था ना, ना डालें भाई प्लीज, कॉल ना करें, व्हाट्सएप ना करें, कोई फायदा नहीं है। मान जाएंगे
नहीं मैं इनके साथ नहीं था। राजू भाई साथ में चल रहे हैं, राजू भाई साथ में चल रहे हैं। संतोष भाई, राजू भाई, राजू भाई पिछले 15 दिन से साथ में ही है। व्हाट्सएप कॉल करो, कॉल करो भाई, बात कराएंगे, बात कराएंगे। राजू भाई कॉल करे तो बात नहीं होगी, राजू भाई बात कराएंगे। और मैं संतोष भाई नंबर दूंगा। कोको कोको खाना खा रहा भाई, इसको कोई मतलब नहीं है। दो दिन बात नहीं हुई है फिर भी। ओए कोको, हम हैं भूखे, हमें कोई मतलब नहीं, पहले खाना खाएंगे फिर आपसे बात करेंगे। लो जी, लो सबने अपनी बाइकों पे सामान ही बांध लिया। मैं कुछ इंस्टाग्राम पे फोटो वोटो अपलोड कर रहा था। एक चीज और बता दूं, यहाँ पर पहले बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं होता था, जीरो। मतलब BSNL की सिम है, वो भी कभी कभी चलती थी, कभी कभी नहीं चलती थी। अभी यहाँ पर एयरटेल का नंबर चलने लग गया है, वो भी शाम को 8 बजे चलेगा, सुबह 10-11 बजे तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। फिर शाम को 8 बजे यहाँ पर इन्होंने टॉवर वगैरह लगाया मिलिट्री वालों ने, तो अभी टेस्टिंग चल रही है। आने वाले टाइम में ऐसा चलेगा एयरटेल। मैंने यहाँ पर 10-10 GB का ना व्लॉग अपलोड करा है, 1-1 घंटे का जो हमारा व्लॉग होता है ना, बोलते बोलते भी सांस चढ़ रही है। जो हमारा 1-1 घंटे का व्लॉग होता है वो 10 GB 11 GB का होता है। रात को 2 बजे लगाता था, सुबह 6 बजे तक अपलोड, 11 GB की फाइल। सोच रहे हो यहाँ पर कितना तेज इंटरनेट आ रहा है। तो भी मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड कर दी है। अब नेट होने वाला बंद, सबने बैग बांध लिए, बांधेंगे और गायब हो जाएंगे। ये देखो सबकी बाइकें रेडी है भाई। मेरी सबसे पहले हुई है रेडी। बताओ, बहुत बहुत मुबारक है, तुम बहुत होशियार हो। मैं पहले से थी। बहुत होशियार हो, बहुत तेज हो, बहुत बढ़िया। मेरे को मैंने ना पहचाना होता, मेरे साथ होती भी ना तुम। चलो भाई सामान बांधे, चलो जी लेट्स गो। सब लोग निकल गए, मैं और समीरा नहीं रह गया। और पेट्रोल हाफ टैंक है तो यहाँ से नहीं डलवाएंगे। मेरे को लग रहा है 100 किलोमीटर बाद या 150 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप आ जाएगा, वहीं से डलवा लेंगे। और राजू भाई तो बिना हेलमेट के खड़े हैं। राजू भाई गुड मॉर्निंग, आ जाओ। ओए ये नज़ारा यार बहुत ही बढ़िया। वो देखो सामने से 2 बाइकर जा रहे हैं, ये उमरिंगला करने जा रहे होंगे इस टाइम ना। ओ भाई साहब पहाड़ देखो सामने का, कितना सुंदर लग रहा है। और सारी बाइकें आ गई है ना लाइन में जा रही, कितनी सुंदर लग रही हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, हाल में ना बहुत सारे होम स्टे हैं और नए नए बन भी रहे हैं। देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है। पहली बार मेरे को याद है जब मैं आया था ना, एक होम स्टे में रुका था, रूम बिल्कुल भी नहीं थे, पूरे हालने में नहीं थे और अभी भी नहीं होते। पहले ही बुक करा के चलो या बात बात करके चलो। तब एक बड़ा सा हॉल मिला था, उस हॉल के अंदर भाई कम से कम रुके थे हम 15 बंदे, 8-9 तो हम ही थे राइडर जो आए थे। मेरे ख्याल से तब जुनेद भाई भी थे अपने साथ और बड़े सारे बंदे थे। देखो जहाँ तक ध्यान आ रहा है बहुत पहले का टाइम था, तब इतने होमस्टे भी नहीं होते थे, अभी तो और अच्छे अच्छे खुल गए हैं। उसके बाद से जब भी मैं आता हूँ ना, सीधा लोटस भाई को फ़ोन मारता हूँ कि भाई आ रहा हूँ 3 रूम रख देना। लेकिन 2-3 दिन पहले फ़ोन मारना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बुकिंग बहुत पहले हो जाती है, दूर दूर से लोग आते हैं ना, तो पहले बुकिंग करा के चलते हैं। बाकी आसपास का व्यू बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। आज ले में पहुँच जाएंगे, पहले यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते थे, अब नेटवर्क भी आ रहा तो टेंशन नहीं है। नहीं तो पहले होता था सुबह सुबह निकल जाओ, रास्ते में नेटवर्क मिल जाएंगे, फोटो अपलोड करो, वीडियो अपलोड करो, मेल चेक करो, घर पे फ़ोन करो, अभी सारी चीज़ें यहीं पर हो जाती है टेंशन के बिना। ये कहाँ जा रहे हैं मिलिट्री वाले? अरे फोटो क्लिक कर रहे हैं गॉगल वॉगल लगा के। और आज अपने को ना सिर्फ ये 2-4-5 किलोमीटर का ही ऑफ रोड मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 किलोमीटर का। उसके बाद इतनी बढ़िया रोड है ना ले तक की, लगा लो 270 किलोमीटर है ना, अगर कंटिन्यूस चले और स्प्लेंडर लेके भी चलूँ ना जो 50-60-70 ही चलेगी, आराम से 5.5-6 घंटे में ले लगा दूंगा। सुंदर रोड है, मज़ेदार। लो जी सुबह सुबह की मेरी पहली वाटर क्रॉसिंग, सोचो यहीं जूते बिक जाए तो काम ख़त्म पूरे दिन का। कर लो भाई पैर एकदम ऊँचे, बच गए। मुझे ऐसा क्या लग रहा है शिंगे ने कोई शॉर्टकट लगवा दिया है, नहीं तो इतने में तो रोड आ जाती है। 7-8 किलोमीटर तो हो गए हमें चलते हुए, और मेरे को लग रहा है ये रास्ता ना देखा भी नहीं हमने, है ना। आई थिंक आगे जाके डायरेक्ट मेन रोड पे मिल जाएगा, किसी और ही रास्ते से जा रहे हैं। भाई साहब खड्डे ही खड्डे हैं। शिंगे कह रहा आज ऑफ रोड नहीं है ना ज़्यादा, सुबह सुबह ही करवा देता हूँ, उनको बैटरी चार्ज हो जाएगी। ओ अब मेरे को याद आया, सामने टेंट दिख रहे हैं ना। सुबह सुबह ना हमारा डिस्कशन चल रहा था, आज यहाँ पर कोई फेस्टिवल है, लोटस भाई वहीं पर जा रहे थे जब सुबह सुबह अपने को मिलके निकले ना वो इसी फेस्टिवल में, तो वो कह रहे थे आज का दिन और रुक जाओ फेस्टिवल एंजॉय करो। हमने बोला अभी अपना ना रूट बहुत लंबा है, राइड बहुत लंबी है, इसलिए निकलना पड़ेगा आज। और ले में अपन ने बुकिंग भी करवा रखी है, तो शिंगा ये मेला दिखाता हुआ लेकर जा रहा है। देख रहे हो टेंट लगे हुए हैं वहाँ पर, छोटे छोटे रंग बिरंगे बड़े टेंट, गाड़ियाँ, वो बच्चों का कूदने वाला क्या कहते हैं इसको, झूला, झूला तो मेरे को भी पता है, नहीं कुछ वर्ड होता ना वो। ये देखो शॉप लगी हुई है, कुछ खरीदना हो तो खरीद भी सकते हैं। डांस वांस सब कुछ होता है,
छोटो को हेलो, छोटो को हेलो, छोटो को हेलो। ये देखो खाने नहीं आया वो बस। हाँ मतलब यहीं से लेके जा रहा ना, बार बार से देख लो तभी इस रूट से लाया होगा वो। हाँ ये पहाड़ कैसा सा लग रहा है ना, ओल्ड मॉन्क की बोतल अलग तो ऐसे ही है। और वो देखो ऊपर मोनेस्ट्री कितनी बढ़िया लग रही है। चलो जी फाइनली बढ़िया रोड पे आ गए हैं, अब ऐसी रोड मिलेगी। रास्ते में छोटा मोटा पैच आएगा लेकिन खूबसूरत रोड है, मजा आएगा बाइक चलाने में ना। अरे जाओ सारे के सारे उस्ताद जी आ गए फॉर्म में, धोबी पछाड़ कर देंगे सबको। धूम धूम, अरे धूम धूम। जब बाइक में ऐसे चलाता हूँ ना मेरे को धूम मूवी की याद आ जाती है, बचपन में वही देखी ना धूम मूवी जिसमें वो सुपर बाइक चला रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। मैं भी जब ऐसे चला रहा होता ना सीधा मन में सीधा वही वाला गाना आता है धूम धूम। देख रहा है हेलीकॉप्टर, चॉपर है चॉपर, और 5-10 मिनट में उड़ेगा, उड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये। कितना सही लग रहा है ना, जो मिलिट्री वालों को ना कलर अच्छा होता है, भले इनका ट्रक हो, भले चॉपर हो, भले टैंक हो, मतलब बड़ा सुंदर सा बनाया होता है वो, ग्रीन डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन। ये देखो भाई पल्सर का टांगी हुई है, मैंने स्पेशली ब्रेक मार के कैमरा ऑन किया है, क्या सही लग रही है ना। ऊपर खंबे के ऊपर टांग दी है, बढ़िया बढ़िया, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है पहाड़ों पे ना। यहाँ पर ना बड़े गहरे गहरे बंप भी हैं, गाड़ी पे आओ ना भाई ना नजर आए तो उछल जाओ। ये देखो कैसे रोड पे आए हैं, और बड़े सारे हैं, अभी आगे आएगा ना कोई तो दूर से ही दिखाऊंगा आपको। क्या रोड है भाई, क्या रोड है, सुंदर मजेदार। इस रोड का नाम हमने रख दिया दिल खुश रोड। लोमा रह गया यहाँ से 45 किलोमीटर। अब जो हमारे नेटवर्क आएंगे ना वो सीधा आएंगे चुमाथांग में। चुमाथांग वो जगह है जहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग है ना, जमीन में से ऑटोमेटिक गर्म पानी निकलता है। अभी तो वहाँ पर उन्होंने नलके वलके लगा दिया, साबुन भी रख दिया, आम बंदा जाके आराम से वहाँ पर नहा भी सकता है अगर नहाना चाहे तो, मस्त एकदम गर्म पानी आता है। अगर मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा, पहले दिखाया हुआ है, अगर दोबारा मौका मिलेगा अभी रुकेंगे तो दिखाऊंगा आपको। ये देखो मैं इस बम्प की बात कर रहा था, सीधा जमीन ऐसे अंदर, मतलब गाड़ी से अगर आप सीट से आ रहे हो ना सीधा हवा में जाएगी गाड़ी आपकी। ये देखो फ्लैग कितने बढ़िया लग रहे हैं, कलरफुल पूरे यहाँ से नीचे तक है, आगे भी है। शिंगा क्यों स्लो हो चुका है, आई थिंक किसी को रास्ता बता रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई कपल है, बहुत सारे कपल आते हैं, जरूरी नहीं है आपको एक बाइक पे अकेले ही आना है, अब एक बाइक पे दो बंदे भी आ सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो हर लड़की तो बाइक चला नहीं सकती, चला भी सकती है तो इतने ऑफ रोड में नहीं चला सकती, अब साहिबा जैसे तो नहीं चला सकती ना, तो फिर कैसे आओगे। तो कपल आ जाओ भाई, एक ही बाइक पे दो बंदे बैठ के आ जाओ, ज़्यादा ट्रैवल मत करो, एक दिन में 200 किलोमीटर ही करो, क्योंकि यहाँ ट्रैवल करना भाई लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। इतनी बढ़िया रोड, इतने बढ़िया बढ़िया नज़ारे कोई और देखने को नहीं मिलेंगे, अपने इंडिया में है ये जगह, अपना इंडिया है ये, इतना सुंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला पहाड़ ग्रीन है, वो ब्राउन है, और वो वाला पीछे वाला ब्लू है। पहाड़ों के कलर भी अलग अलग है भाई, पत्थरों के है क्या, पत्थर ही तो है ये। बम्प आया क्या आगे, अच्छा जी साहिबा ने बताया इंटरकॉम में, बड़ा तगड़ा बम्प आया, ऐसे बम्प धान ना होना और बाइक की स्पीड तेज हो। ये देखो पूरी बाइक नीचे, और ये विली शू। वो देखो वहाँ पर भी कलर अलग अलग है। गोप्रो में देखने में मज़ा आता है, लेकिन जो आंखों से देखने में मज़ा आता है ना वो नेक्स्ट लेवल है भाई, एकदम सुंदर। वो वहाँ पर बारिश हो रही है, एकदम क्लियर दिख रही है, बादलों में से पानी गिरता हुआ ना। ये देखो यहाँ आपको क्लियर नज़र आएगा, आगे वाला पहाड़ ग्रीन कलर का है, उसके पीछे आधा पहाड़ ब्राउन कलर का है, एकदम क्लियर। और ये कुदरती है, किसी ने करा नहीं है, सोचो ग्रीन ब्राउन पीछे रेड, ऐसा लग रहा है ना इन पहाड़ों पे किसी ने पेंट कलर कर दिया ग्रीन कलर का। हाँ हाँ स्प्रे पेंट है ये, स्प्रे पेंट, भगवान ने मारा होगा, इतने बड़े पहाड़ पे इंसान तो मार नहीं पाएगा। इसके अंदर भाई सोना दबा हुआ है, सोना हीरे हैं, हीरे हरे रंग के हीरे। साहिबा रुक के यहीं पर चालू कर दो तुम ना, यहीं पर टेंट वेंट लगा के खुदाई उदाई चालू कर दो, हीरे लेकर आना फिर घर। ग्रीन पहाड़ तो आपने बहुत देख लिए, ये देखो एकदम रेड, और अकेला ये रेड बीच में, इधर ग्रीन है ये ब्राउन है, ये देखो रेड,
प्योर रेड, खूनी पहाड़ है ये, इसके अंदर खून है खून। वो देखो वो जा रहा संतोष, वो रहा शिंगा, इनकी बाइक ऐसी है ना सीधा शॉर्टकट मार के आगे रोड पर पहुंच गए भाई साहब। बढ़िया बढ़िया, ले लो मजे, हम भी ले रहे हैं। वो देखो सीधा हमसे आ गए, मेरे से पीछे था, शॉर्टकट मार के सीधा रोड पे आ गया। वाह भाई वाह, तालियां तालियां। हाँ बढ़िया है ना यार, बाइक बाइक के हिसाब से होता ना, कौन सी बाइक क्या कर सकती है, और जो कर सकती है उससे वही करवाओ। अब मैं इसके ऊपर से निकल जाऊँ, हो जाएगा काम, पलट जाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी, क्या फ़ायदा। हाँ ये देखो भाई, वो देख रहे हो सामने घोड़ा, ये यहाँ पर बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन रेयर इसी साइड मिलते हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, कलर देखो, देखो हंस रहा है भाई, हम पे हंस रहा है। अच्छा है, सुंदर है, इसके और दोस्त भी होंगे आसपास ना यहीं कहीं। बढ़िया लग रहा है ना, ये देखो ये वही हेलीकॉप्टर है जो भी आपको मैंने पीछे दिखाया था ना सुंदर सा, वही जा रहा है। बाय बाय भाई, क्या बढ़िया लग रहा है ना, और कितना छोटू सा लग रहा है, इतना सा लग रहा है, इतना सा। वो भी चला गया, कह रहा मैं जा रहा हूं। हाँ चल भाई मेरे दोस्त, बाय बाय। यहाँ से ये ना घास भी है इसके लिए, और कोने में ना पानी भी है बहुत सारा, यहाँ से शाइन मार रहा नजर आ रहा है। सर्दियों में क्या करते होंगे ये नहीं पता, ये देखो पानी पूरी नदी है भाई, सर्दियों में क्या करते होंगे ये मुझे नहीं पता, कहाँ जाते होंगे, घास वास तो खत्म हो जाती है, बर्फ हो जाती होगी यहाँ पर। पहले पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच घूम रहे थे ना, अभी रोड साइड में आ गई है, पहाड़ हमारे पास आ गए हैं। और ये देखो नदी कितनी सुंदर लग रही है, ये ब्रिज कितना सुंदर लग रहा है, ब्रिज के ऊपर खड़े होकर ड्रोन उड़ाओ। लेकिन यहाँ पर ना आधे से ज़्यादा मिलिट्री एरिया है, बीच में बहुत सारे बंकर देखने को मिलते हैं, इसलिए हर जगह ड्रोन उड़ा नहीं सकते। रंगो आ गया, रंगो रंगो, इस जगह का नाम है रंगो, ये जो गांव दिख रहा है ना छोटा सा सुंदर सा, ये है रंगो, रंग दिया इसको, हरा रंग दिया है भगवान ने ना, इसलिए इसका नाम है रंगो। जेसीबी यूहू, सब के सब आगे निकल गए हैं, मैं और समीरा नहीं बचे हैं। हम पीछे वो देख रहे थे ना हॉर्स, सुंदर लग रहा था, फिर हेलीकॉप्टर भी आ गया, फिर 5-10 मिनट और खड़े हो गए, बातें बातें करने लग गए। कितना सुंदर लग रहा है ना, नदी के साथ साथ जा रहे हैं, इस तरफ पहाड़ इस तरफ नदी, आसपास कुछ भी नहीं है, बीच में घर बना हुआ है, वो देखो अब किसका घर होगा ये नहीं पता, छोटा सा घर है, ईंटों का बना हुआ है, सुंदर लग रहा है, आसपास कुछ भी नहीं दूर तक। वो जा रहे हमारे साथी, होंगे कोई 3-4 किलोमीटर दूर, वो नजर आ रही छोटी छोटी बाइक जा रही है दो, नोमा 22 किलोमीटर, माहे 42, ले रह गए 204, अभी भी 200 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर हमने चला लिया है, और टाइम 1:15। ओ भाई ऑफ रोड, चलो नीचे उतरेंगे, आगे आई थिंक कंस्ट्रक्शन चल रही होगी। देखा हुआ है, देखा हुआ है पहले बहुत बारी। ये देखो पूरी जेसीबी पानी में है, कुछ काम करने गई होगी, पहले भी मैंने व्लॉग में दिखाई है ये ना, बहुत बार निकले हम यहाँ से इस ब्रिज से, और यहाँ पर एंट्री भी होती है, मेरे को ध्यान है। वो खड़ा शिंगा, यहाँ एंट्री करेंगे फिर आगे निकलेंगे। देखो यहाँ ना बीच बीच जो पहाड़ों पे प्रेयर लिखी होती है बहुत सारे पत्थरों पे, रेगिस्तान वाली मिट्टी आ गई है राइट साइड में ना, रेगिस्तान वाली मिट्टी नहीं भाई, पूरा रेगिस्तान ही आ गया है। ये देखो इस तरफ भी वही मिट्टी, इस तरफ भी वही मिट्टी, ऊपर तक वही मिट्टी। इन रोडों में ना हमारी बाइक की टॉप स्पीड चेक हो सकती है, कंटिन्यूस इसको ऐसे पकड़ के रखूं मेरे ख्याल से 90 तो पार हो जाएगी, लेकिन कई जगह चढ़ाई आती है फिर ढलान आती है, अपने को थोड़ी ढलान चाहिए ताकि थोड़ी और स्पीड बन जाए। लो जी 80 पार हो चुके हैं हम, हवा भी तेज चल रही है ना, चल भाई चल। मेरे को लग रहा है पूरे लद्दाख लद्दाख में ना इसकी टॉप स्पीड 80 रही, 80 से ऊपर नहीं गई ये, या 82 तक चली जाएगी, थोड़ी और सीधी रोड आएगी तो 90। अच्छा जी
साहिबा की बाइक 90 जा रही है, ये 80 जा रही है। अभी देखो हल्की सी चढ़ाई आ गई ना ऑटोमेटिक, देखो मैंने रेस नहीं कम करी, ऑटोमेटिक ये 70 आ गई है। अब आगे ढलान आएगी फिर हो जाएगी 80। लो भाई जल्दी से देख लो, 92 पार कर दिया हमने, 92, क्या बात है, एकदम स्ट्रेट रोड है। लाल लाल पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए, ड्राइव स्लो एक्सीडेंट प्रोन एरिया, स्नो लेपर्ड भी लिखा हुआ था, यहाँ हो सकते हैं सर्दियों में ना यहाँ बर्फ ही बर्फ रहती होगी, स्नो लेपर्ड आ जाते होंगे। और पूरे लाल पहाड़ है, लाल मिट्टी एकदम। और ड्राइव स्लो मेरे लिए नहीं है, बड़ी बाइक्स के लिए है, ये तो स्लो ही चल रही है। मेरी बाइक में तो तेल है अभी भी और 180 किलोमीटर बचा, ले तक पहुँच जाएगी, लेकिन फिर भी सबके सब रिफिल करवाएंगे तो मैं भी करवा ही लेता हूँ लगे हाथ फुल। मेरे बाद कंटिन्यू डाल देना इसमें, हाँ ये और वो, चार बाइकें। हाँ वो देखो लड़की लेकर आई है बुलेट, हाँ वो बता रही है मैं पूरे ग्रुप के साथ आई हूँ, मैं लास्ट वन हूँ, सारे आगे निकल गए हैं। 100 किलोमीटर तो हमने सुबह से बाइक चला लिया है, यहाँ से 42 किलोमीटर चुमाथांग, ये न्यूमा है हम तो, पहले यहाँ रुकने का सोचे थे लेकिन अभी इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगी, पानी हमने पी लिया हाइड्रेशन बैग से, तो 42 किलोमीटर और चला लेते हैं, फिर वहाँ से ले रह जाएगा कोई 135 किलोमीटर, वहाँ एक ब्रेक लेंगे फिर सीधा ले लगा देंगे। हर मोड़ पे अलग नज़ारा, ये तो ऐसा लग रहा है कितने पहाड़ काटा हुआ है यहाँ से कोने से ना। ओ मंदिर बना हुआ है, शिव मंदिर है ये, लिखाना ऊपर शिव मंदिर ओम, लेकिन लॉक लगा हुआ है। भाई साहब जल्दी से देख लो, ये नज़ारा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। 101 पे चल रही है हमारी बाइक, 101, ये इसकी टॉप स्पीड है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, 101, क्या बात है, स्प्लेंडर 101 लगा दी, यूहू वापसी आ गई 90, वहाँ ना हल्की सी ढलान थी, ढलान के चक्कर में भाई 90 पार होते हुए मैंने मीटर देखा, मेरा भाई ये तो बहुत तेज भाग रही है, 101 सेकंड डाल दिया आज इसने। ये देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ ना, मेरा भारत महान, व्हाइट पत्थरों से लिखा हुआ है, बीच में कांच में वो भगवान जी की मूर्ति बनाई हुई है इन्होंने। भाई ये रोड देखो एकदम स्ट्रेट दूर तक, वो साइड से नदी जा रही है, नदी दूर हो गई, पहले यहाँ से जाती है अभी दूर हो गई है, ये कुछ गिरा हुआ है रोड के बीच में, लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन चढ़ाई है ना, बाइक 80 से ऊपर नहीं जा रही और कम हो गई है, 70 पे आ गई है। ऐसे देखने में लगता नहीं कि ये एलियन लैंड है, यहाँ एलियन उतरते होंगे, लाल मिट्टी हरी मिट्टी अजीबोगरीब पहाड़, मेरे को तो देखने में ऐसा ही लगता है किसी अलग ही जगह घूम रहा हूँ, अलग ही प्लैनेट पे घूम रहा हूँ, कोई एलियन लैंड है ये। ये माहे ब्रिज है ना, ये यहीं से जाके हम समुरेरी के लिए जाते हैं ना, अगर समुरेरी लेक जाना है और यहाँ से सीधा ले, और यहाँ से समुरेरी कितना पड़ता है, 60 किलोमीटर इतना ही है शायद, 60 50-60 किलोमीटर, मतलब 50-60 जाना 50-60 आना। चलो बढ़िया है, समुरेरी लेक तो हमने देखा हुआ है पहले, इसलिए हम नहीं जा रहे, सीधा ले निकल रहे हैं। चलो फिर चलो, हाँ सीधा आगे रुकते हैं, ये माहे ब्रिज कहते हैं इसको, यहाँ से रास्ते अलग होते हैं, और समुरेरी से आप डायरेक्ट मनाली भी निकल सकते हैं, वहाँ से भी रूट आता है एक। चलो जी चलो, लेकिन इस बार हम कोई दूसरा ही रूट लेने वाले हैं जो कि आज तक हमने कवर नहीं करा। अब जब यहाँ तक उस्ताद जी को लाया तो कुछ तो अलग करके जाएं, अलग तो कर ही दिया, वर्ल्ड के हाईएस्ट पास पे इसको ले गए, हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे ले गए, लेकिन कुछ और अलग करेंगे। लो जी हम लोग पहुँच चुके हैं चुमाथांग, यहाँ रुकेंगे, यहाँ लंच करेंगे, यहाँ पे ना चाउमीन वाउमीन बहुत बढ़िया मिलती है। अब मेरे को जगह याद आ जाए कहाँ खाई थी, कहाँ पर देखो धुआं निकल रहा है, हॉट वाटर स्प्रिंग है वहाँ पर, यहाँ ज़मीन में से ऑटोमेटिक गर्म पानी निकलता है। वो रुका हुआ आगे शिंगा रुका तो हुआ है, लगा दो यहीं, लगा दो साइड पे जहाँ जहाँ जगह मिले ना। ये देखो भाई राजू भाई ने आती आतंक मचा दिया, उठाओ स्टैंड दसा दिया, हट जाओ बच्चा दब गया नीचे, भाई देख तो लो बाइक बच गया, बच्चे का पैर ही दबा दिया था, यहाँ लगा दो ऊपर चढ़ा दो ऊपर। तो पहले हमने बाइक वहाँ लगाई थी, फिर ध्यान आया चौमिन तो हमने यहाँ खाई थी, इन दोनों ने देखो कहाँ लगा दिया बाइक, ऊपर लगा दिया, आगे ऊपर चढ़ाने की जगह है। चलो ट्रक को जाने तो जा रहा है ये, वो देखो हॉट वाटर स्प्रिंग, धुआं देख रहा है, ये जमीन में से ऑटोमेटिक यहाँ से गर्म पानी आता है, वहाँ नलके भी लगे हुए हैं उधर ना।
चले? साबुन सुबुन रखे हो? हाँ जा सकता है, मैं तो बहुत बार ही गया हूँ, ना भी सकते हो वहाँ पर जाके। व्यू देखो, तभी यहाँ बैठ के खाते, बाहर चेयर लगाओ, सामने का ये व्यू एंजॉय करो। हाँ नीचे तक जा सकते हैं, पिछली बार वो वॉशरूम के लिए वहाँ गए थे ना। चलो बढ़िया, वाटर वाटर लेते हैं, खाते हैं, फिर टाइम से निकलते हैं, टाइम से ले पहुँच जाएंगे अंधेरा होने से पहले। हम सोच के आ रहे थे ना चाउमीन खाएंगे, ये खाएंगे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चाउमीन और दो पराठे हैं, कह रहे बाकी सारा सामान ख़त्म है, तो आधा यहाँ से खाएं, आधा वहाँ से खाएं। अरे यहीं पर, यहीं पर ऊपर से आगे बैठ जाएंगे, वहाँ पर पहले वहाँ बैठने का सोच रहे थे, वहाँ से फिर हमने यहाँ सोचा, अब यहाँ बैठेंगे। ऐसा नहीं होता जैसे एकदम से जेल से छूट के बंदे बाहर आते हैं आजादी, तो नेटवर्क आ गया ना यहाँ पर, आते नेटवर्क नहीं मिलता एकदम से, भाई साहब इंस्टाग्राम यूट्यूब सब छाट मारेंगे एकदम कटाफट। ये देखो सब के साथ यार 8 बजे से बैठे रात को, कोई नेट ही नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करे। हाँ अब मिल गया ना नेट, खुशी तो होगी ना। लो जी चाउमीन आ गई है, यहाँ पर भी दो ही प्लेट चाउमीन मिली है, तीन प्लेट दाल चावल और दो पराठे। पराठे दो ही है दीदी, खत्म हो गई? दो भी नहीं है? ओ भाई दो भी नहीं है, वो तो कह रहे पराठे पराठे। अच्छा साहब पराठा लो भाई, खाओ चाउमीन। ऐसा कैसे हो गया, बंदे ज्यादा आ गए क्या यहाँ पर? उधर गए वहाँ भी सब खत्म, इधर आए यहाँ भी सब खत्म, अभी पराठे कह रहे थे वो, कह रहे वो भी नहीं है। चाउमीन दो ही प्लेट आई थी, खत्म हो गई, अब सब दाल चावल ही खा रहे हैं, यही है खाना है, तब भी यही है, नहीं खाना तब भी यही है, दाल है और सब्जी खा ली मैंने, खाली चा सब्जी भी थी, किसी की प्लेट गहरी ये सब्जी है, पत्ता गोभी और चावल है, दही है और मेरी प्लेट अभी आ रही है। लो जी हमारी भी प्लेट आ गई है, ये प्लेट स्पेशल है, ये देख रहे हो इसके अंदर स्पेशल, इसलिए इसके अंदर मैंने लेस डाल दिया है। चाय में चीनी कम थी, ये देखो सबके ग्लास में ना इन्होंने चीनी डाली, दस किलो चीनी गिराते गिराते। हाँ हाँ मैं ये दिखाने जा रहा हूँ, देखो वहाँ दिख रही चीनी गिरी हुई, ये देखो ये यहाँ भी मेरी आदत है, ये मेरी आदत है, ये मान गिराते गिराते चलना, गिराते गिराते चलना। कभी सोने की चेन तो नहीं गिरी आपकी? आप तो वेट कर रहे हैं, वो जैसे ही गिरेगी तो हम गायब कर लेंगे, इसीलिए तो नहीं गिरे, सिर्फ चीनी गिराते हैं, चेन नहीं गिराते। चलो जी खा लिया है, पी लिया और ज़्यादा ही खा लिया है, चार बज चुके हैं, यहाँ से ढाई घंटे लगेंगे, 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे अपने होटल। रूम बुक करा दिया पहले ही, क्योंकि आजकल ले में ना मारामारी चल रही है, इतने बंदे आ रहे घूमने के लिए तो रूम मिलते ही नहीं है, तो पहले सुबह ही फ़ोन करके अपने बुक करवा दिए थे, सीधा रूम में जाएंगे आराम करेंगे और कल हो सकता है यहाँ से निकलेंगे या रुकेंगे, एक बार डिसाइड कर रहे हैं, जैसे फाइनल प्लान होता है फिर आपको बताते हैं। ओ डोगो कहाँ घूम रहे हो? यहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं आती ना, इसलिए आराम से रोड पर घूमते रहते हैं, और सुबह इतनी बढ़िया धूप थी, मज़ा आ रहा था बाइक चलाने में। अभी देखो सामने का मौसम, ऐसा लग रहा है तगड़ी बारिश आने वाली है, ठंडी हवा चालू हो गई है, बस अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए, नहीं तो फिर हेलमेट का वाइजर भी चेंज करना पड़ेगा। उपशी खारू ले 137 किलोमीटर, पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से 6:30 बजे तक। वो देखो सामने का व्यू, बीच में से जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल डार्क ब्लैक, कैसे थे एकदम बंजर पहाड़ होते हैं, बीच बीच में कई कई जगह घासें उगी होती हैं, ये देखो पेड़ उगे हुए हैं और किसी ने उगाए नहीं होंगे, ये नेचुरल होंगे और सब जगह नहीं होते ये, है ना। ये ऐसा लग रहा है शेर का पंजा बना हुआ है और गुफा है, वो देखो टीन भी पड़ी हुई है ऊपर। हाँ बहुत पहले यहाँ बंदे रहते थे, ऐसे ना बहुत ऊंची ऊंची जाके गुफाएं बनी हुई हैं और उसके अंदर जाओ ना भाई, बहुत पुराने पुराने बर्तन वर्तन भी मिल जाते हैं। अच्छा जी गमीज मतलब डेड बॉडी। ओह जैसे जैसे शाम हो रही है ना वैसे वैसे नज़ारे भी अलग दिख रहे हैं, धूप में पहाड़ अलग दिखते हैं, शाम में अलग दिखते हैं, बारिश में अलग दिखते हैं, देखो सामने रोशनी कितनी बढ़िया है। अब हम चढ़ेंगे चढ़ाई, हमारी बाइक की शामत आई, चलो ताजी करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, फील द कर्व डोंट हग देम, गले नहीं लगाना रोड को, फील करते हुए बाइक चलानी है आराम से। ये देखो यहाँ भी गुफा बनी हुई है, ये एक आगे भी है। हाँ अभी तो नहीं रहते होंगे, पहले का तो मेरे को पता, भाई ये तो गहरी गुफा थी, अभी का तो नहीं पता, पहले तो बंदे रहते थे, अब क्यों रहेंगे? अच्छा जी क्योंकि अब तो घर वर बन गए ना, अब तो सारी सहूलियत है, तो क्यों रहना ऐसी गुफा में? वो करते होंगे जो बंदे पाठ पूजा करते मेडिटेशन, हाँ वो रहते होंगे इसके अंदर। ये वाला पहाड़ देखो डरावना सा लग रहा है ना,
रात को यहाँ से निकले तो डर ही जाए बंदा। आप देखो कितनी छोटी सी रोड आ गई है और नीचे गहरी खाई। बस ये बढ़िया साइड में ना ये रेलिंग सी लगी हुई है, कोई छोटा सा मंदिर सा बना हुआ था, किसी की फोटो लगी हुई थी। ये रेलिंग से ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है राइडर का ना, राइडर हो या गाड़ी चलाने वाला हो, कि हाँ रेलिंग है। ये ना हो ना तो एकदम नीचे खाई दिखे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है नए बंदों का खासकर। हमें तो आदत हो चुकी है घूम घूम के ना इतनी। वो मोड़ तक रेलिंग है उसके बाद नहीं है थोड़ी सी ना, यहाँ कितना अजीब सा लग रहा है, यहाँ थोड़ा डरावना सा लगता है। वो भाई वो देखो ये रोड यहाँ से दिख रही है, वो पहाड़ के बीच में जाती हुई दिख रही है दूर तक। ये पहाड़ बिल्कुल अलग लग रहा है, ये भी वैसे लग रहा है वो जो मूवी में नहीं था पत्थर का जो बना होता है एवेंजर जैसा, हाँ वो उसको जोड़ जोड़ के बना रखा है। वो मनुष्य तो वहाँ है ना। और यहाँ से उपशी रह गया है 40, कारू रह गया है 54। ये कैसा था, प्लेन पहाड़ है ना, जैसे किसी ने चाकू से काट दिया प्याज की तरह, हाँ केक की तरह एकदम प्लेन। ऐसा कहा जाता है ये प्लेन ना पानी से टकरा टकरा के हुए हैं, मतलब जब यहाँ पानी होता था पानी इनसे टकराता था, टकरा टकरा के ये प्लेन हो गए हैं। अगर ये ऐसे हैं तो फिर वो वाले क्यों नहीं प्लेन हुए, ये क्यों नहीं प्लेन हुए। हर पहाड़ की अलग कहानी होगी यहाँ ना। लो जी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाएंगे हम इस ब्रिज के थ्रू। जब भी पहाड़ से पहाड़ चेंज होता है ना तो बीच में एक ब्रिज आता है, इसका नाम था हामिया ब्रिज। हामिया हाय मिया, हाय मिया, हाय मिया कैसे हो तुम। और ये क्या बना हुआ है, ये देखो कुछ घर सा बना हुआ था। लो जी लो फिर से पहाड़ चेंज, ये आगे ट्रेन वाला ब्रिज, आवाज आएगी इसमें। कितनी वो दिमाग को वैसे बजा सा आता ना सुनने में, ऐसी आवाज सुकून सा मिलता है। ट्रक आ रहा है, ट्रक को निकलने देते हैं। वैसे शॉर्टकट भी है, यहाँ से भी निकल के जा सकते सीधा ऊपर। अभी एकदम छाया थी, सूर्योदय तो पहले भी थे लेकिन पहाड़ों के पीछे छुपे हुए थे, इतने बड़े बड़े पहाड़ है ना, एकदम से रोड पे आ गए, इतनी तगड़ी रोशनी दिखना ही बंद हो गया था रोड पे। होता ना आंखें उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, छाया छाया में चल रही है सुबह से, 220 किलोमीटर छाया में चला दी हमने, एकदम से सूरज की रोशनी मुँह में पड़ी ना दिखना ही बंद हो गया। ले रह गया यहाँ से 64, उपची रह गया 15 किलोमीटर। नदी के शाइन मार रही है ना, एकदम चमक रही है। लो भाई हम लोग पहुंच गए उपशी और यहाँ से ले है 47 किलोमीटर। बस होटल वाले से बात कर रहे हैं हम, उसके बाद निकलेंगे। और टाइम हो चुका है 6:15। ऐसे आंख बंद करके ऐसे खोलेंगे ले पहुंच जाएंगे, आंख बंद करके आंख खोलेंगे ले पहुंच जाएंगे। मेरे को लग रहा है आंख बंद करके खोलेंगे तो नदी में पहुंच जाएंगे। ले तो नहीं पहुंचेगा, नदी में जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन सही टाइम से लगा दी, 12 बजे निकले थे हम है ना, और एक घंटा वहां पर रुके तो लगा 4-5 घंटे में यहाँ लगा दी। और क्या चाहिए, वो भी स्प्लेंडर पे। उड़ती है ये भाई साहब, 140 से नीचे चलती नहीं। 140 गियर तीसरे गियर से शुरू होता है, तीसरे गियर से, असली गियर तो इसका तीसरा है। कोई भी हो तलाना बड़ा अच्छा होना चाहिए। हाँ बाइक कोई भी हो चलाने वाला शिंगा होना चाहिए। एक ही टायर पे जाएगी। शिंगा कितनी देर होगी तक यहाँ आए, 15-20 मिनट हो गए ना, 15-20 मिनट पहले पहुंच गया था, हम अब पहुंचे हैं। बताओ यहाँ भी इलेक्ट्रिक बस चलती है, ये लोकल लोकल चलती है। हाँ ले टू शारा लिखा हुआ है, शारा कोई जगह होगी। और अगर चंडीगढ़ मनाली के लिए रूट लेना सरचू वाला तो ये रोड जा रही है, यहाँ से सीधा मनाली वाला रूट आ जाएगा। चलो जी कारू, कारू वो जगह जहाँ पर आखिरी पेट्रोल पंप पड़ता है ना, उसके बाद सीधा मेरे ख्याल से सरचू क्रॉस क्रूज करके कहीं पेट्रोल पंप पड़ता है 400-450 किलोमीटर के बाद, अगर बन ना गया हो तो। मेरे को तो लास्ट याद है जब मैं आया था यहाँ पर, अभी रोका हुआ था याद है,
दो घंटे हम यहीं खड़े हुए थे, जाने ही नहीं दे रहे थे, रास्ता बंद था, सरचू में लैंडस्लाइड हो गई थी बहुत तगड़ी। आगे जा रही है मिलिट्री की गाड़ी, वो हमारे स्प्लेंडर के बारे में बातें कर रहे हैं, हमने कर दिया उनको हाय बाय बाय, उन्होंने दिखाया थम्स अप। रोड घूम रही है, घूमते घूमते हम निकलेंगे इनसे आगे। भाई साहब अब सीधी सीधी रोड कम रहेगी ना, खारू हमने क्रॉस कर लिया, अब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रोड रहेगी। वो देखो 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 कहाँ से निकल गया संतोष, आजकल इसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही ना, यहीं पर प्रैक्टिस कर रहा है ये। चलो जी हम भी निकल गए, बाय 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 बाय। उनकी शक्ल देख के लग रहा था कि बाइक के बारे में बात कर रहे थे, स्पीकर लगा रखे हैं क्या बना रखा है ना, पहले साहिबा उनके पीछे थी उसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर मैं पूछा मेरे बारे में, किसका फ़ोन आ रहा है, दोस्त का फ़ोन आ रहा है। आ जाओ, हाँ आ जाओ, पीछे कोई भी नहीं है, आगे देख लेना। तो अब भी यहाँ से आते आते ना स्पीड हमारी तेज थी, होगी 60-70 की, कोई साइकिल वाले भाई साहब थे कोई राइड कर रहे होंगे, उन्होंने हमें ऐसे ऐसे हाथ दिया, मतलब उनकी शक्ल से होता ना एक्साइटमेंट पता लग रही थी। वो ये देखो यू टर्न मार लिया बंदे ने, यू टर्न मार के हमारे पीछे कहाँ तक आता है ये, वैसे ये उस साइड को जा रहा था। भाई तुमने यू टर्न तो मार लिया, ओए पैर बच्चू, ओए डरा रहे हो पैर वैर बच्चू। मतलब एक चीज गलती करते हैं क्या, स्टोरी लेट डालते हैं, स्टोरी आप स्टोरी लेट डालते हैं। हाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ आप मेरे घर कहाँ पे पता, आप सॉफ्ट हो जाइएगा। कहाँ पर आपका घर? की धाम सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी, तो सिल्लीगुड़ी से साइकिल लेकर आयो? 9 महीने से होम टाउन से आउट हूँ साइकिल। 9 महीने से? अच्छा पहले ये बताओ तुमने मेरे को यहाँ से देखा, अब तुमने यू टर्न तो मार लिया, तुम यू टर्न मार के कहाँ जाते आपसे मिलने के लिए? और मैं अगर रुकता ही ना बाय चांस, मैंने देखा जाता ले तक, लेकिन आज मिल में 2 दिन आपके लिए हल्ले में रुका था। अच्छा पेंगोंग में रुक गए थे? अरे 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 अरे, हाँ पेंगोंग में रुके थे हम, हल्ले में रुके थे 2 दिन, पेंगोंग में रुक गए थे। अरे अरे, मतलब एक भाई है वहाँ पे आपका बहुत बिग फैन है, हम भी है, तो मैं बोल रहा था वो भी साइकिल लेकर आया, मतलब घर पे ही है। एक हमें भाई मिला था साइकिल लेके ऊपर उमलिंगला में, हर एक वीडियो देखता हूँ। अरे 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 बढ़िया, कल ही डाटा केबल है ना खराब हो चुका है ना, सिस्टम है मतलब प्रॉब्लम हो गया, इसलिए आपसे मिले। तो इतनी दूर साइकिल चलाते हो, टांगे वांगे दर्द नहीं करती? दर्द तो करती है, अभी तक मैं 8,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 8,000? 8,000? 18,000? दिखाओ, मतलब एयरपोर्ट देखो क्या लिखा है, ऑल इंडिया साइकिल ट्रेवल अमरनाथ लद्दाख बाय साइकिल, 14 स्टेट कम्प्लीट। सिल्लीगुड़ी से है? सिल्लीगुड़ी से सिल्लीगुड़ी 18,000 किलोमीटर। तो बाइक पे क्यों नहीं घूमते, साइकिल पे क्यों घूम रहे हो? नहीं मेरा बचपन का ड्रीम है साइकिल से घूमना। अच्छा बचपन का? मैं साइकिल से करते रहता हूँ, पहले मैं 2023 में छोटा रह गया था, लेकिन मैं मेरा स्टार्टिंग 2023 22 दिसंबर। अच्छा घर पे बाइक वाइक है कोई? बाइक है। तो फिर बाइक पे घूमो ऐसी इतनी मेहनत का, अच्छा ड्रीम है, लेकिन भाई 18,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं साउथ इंडिया मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा साउथ इंडिया और नेपाल, अभी तो आप तो 11 से 12 बार लद्दाख आ चुके हैं। हम तो बहुत बार आ गए, आपका हर एक वीडियो देखता हूँ, मतलब डिटेल सारो भैया कहाँ गया जो गिरा था। नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया, लेकिन ध्यान रखो यार साइकिल से तो अच्छा सामान सुमून भी रखा हुआ, खाना वाना भी खुद बनाते हो? खाना वाना खुद बनाते हो? खुद बनाते हैं। हाँ। वेजिटेरियन है ना? अच्छा वेजिटेरियन हो, इसलिए ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन हर जगह मिलता है। सही है, तो चिप्स भी रखे हुए भाई ने। नहीं ये खत्म हो गया, मैं डस्टबिन में फेंकूंगा। अच्छा अच्छा खत्म हो गया ये, चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट है। चलो देखो ये बढ़िया काम कर रहा है भाई ना, खाली चीजें थैली में लेके घूम रहा है, रोड पे नहीं फेंक रहा, सबसे बढ़िया काम। नहीं नहीं बढ़िया, चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट ये लो, एक अरे लो ना काम आएगी आपके, कोई बात नहीं। हाँ हाँ फोटो ले लो, फोटो ले लो। अच्छा फोन की केबल खराब हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने फोन से ले लेते हैं फिर तुम्हें भेज देंगे। ले ले एक फोटो ले ले भाई के साथ। नहीं 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 ये काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, हम भी सबको ये कहते हैं सामान ना फेंको, और भाई को घर से निकले हुए कितने महीने हो गए? 9 महीने। मैंने बोला घर वाले कुछ कहते नहीं, कह रहे कहते हैं अब घर जा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या घूम लिया, 1.5 महीने से तो लद्दाख ही घूम रहा है। हम भेज देंगे आपको फोटो। ओके बाय बाय, ध्यान रखना। देखो ना रोड कितनी लंबी है, वहां से हम भगाते हुए आ रहे थे भाई यहाँ पर था। चलो बाय बाय, भाई ने एकदम से ऐसे 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 किया, मतलब कोई तो हमें रोक रहा है, तो यू टर्न मार ही लेते हैं। हमने यू टर्न मारा, भाई ने भी यू टर्न मार लिया, हो सकता है भाई हमारे होटल तक आ जाता, क्या फायदा यहाँ से उस तरफ को जा रहा है, अभी 40 किलोमीटर ले हो रहा है, फिर 40 किलोमीटर जाता आता 80 किलोमीटर हमारे चक्कर में फालतू पड़ते, फिर वो अच्छा ना लगता ना, इसलिए हमने यू टर्न ही मार लिया।
ले रह गए यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर और टाइम भाई 6:15। क्या बात है, कितने टाइम बाद हम रोशनी रोशनी में कहीं पहुँच रहे हैं। 12:15 वहाँ से निकले थे, 1 घंटे का ब्रेक लिया और 15-20 मिनट मैक्सिमम 7 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे रोशनी में। हेलमेट का वाइजर भी चेंज नहीं करना पड़ा, अच्छा लग रहा है। आज हमने एकदम कंटिन्यूस चलाई ना, बीच में एक स्टॉप लिया 1 घंटे का, उसके बाद कहीं नहीं रुकी। साइकिल वाले भाई पे रोका, उन्होंने हाथ दे दिया तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, बस और कोई स्टॉप नहीं लिया, सीधा ले लगा दी 270 किलोमीटर। ये देखो कितने सारे स्तूपा बने हुए हैं, सारे हाथ से बनाए हुए हैं लाइन में। जैसे जैसे ले के करीब जा रहे हैं ना, बड़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। अभी एक मोनेस्ट्री भी दिखी थी, स्पीड जा रहा थी जब तक कैमरा ऑन करा, उससे आगे निकल गए। ठिक सी मोनेस्ट्री थी और ये क्या गिरा हुआ रोड के बीच में भाई? नहीं नहीं, गिरा रुई है, रुई कॉटन गिरी हुई है। ओ ये देखो ये कंप्लीट हो गई, याद है पिछली बार डिफेंडर पे आए थे तब ये बन रही थी। क्या सुंदर लग रही है। हाँ ये शे मोनेस्ट्री है भाई, शे मोनेस्ट्री शे पैलेस के। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, पिछली बार ही बन रही थी भाई साहब। बस वाले ने डंडा दबा दिया पूरा, ये वाला डंडा पूरा बस वाले ने दबा ही दिया था। वो आगे जो बस जा रही है ना, जाम पता नहीं किस चीज़ का लगा हुआ है, तगड़ा ही है लेकिन दूर तक। ले रह गया यहाँ से 7-8 किलोमीटर रह गया। जैसे गुड़गांव में ऑफिस छूटता है ना, मेरे को लग रहा है ये ऑफिस छूटा है, लंबा चौड़ा जाम है दूर तक। वो निकल गया साइड से, ऑफ रोड से। जाओ जाओ जाओ, हाँ निकलो निकलो निकलो। भाई साहब कहाँ से जा रहे कूदते हुए? ये डीमैक्स वाले ने रोक ली, इसकी वजह से मैं भी निकल गया। उसको राइट लेना होगा ना, देखो दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। बस थी ना आगे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अब दिख रहा है। सूरज देवता का भी जाने का टाइम हो गया, पूरे वहाँ से बादल ऑरेंज ऑरेंज येलो येलो हो गए हैं। वेलकम टू ले यूटी लद्दाख। जब से ये यूनियन टेरिटरी बन गई ना अलग से, तब से लगा ये बोर्ड, पहले नहीं होता था। और हर गाड़ी का नंबर अब LA होता है, पहले JK होता था, आधी से आधा गाड़ियाँ JK JK JK। अभी जितनी भी गाड़ी यहाँ पर नहीं निकलती है ना, सब पे LA होता है। लो जी वेलकम टू ले अगेन वेलकम टू ले। 4 दिन पहले यहाँ से निकले थे, 4 या 5 दिन, अब तो याद भी नहीं, दिन भी नहीं याद रहता। घर से निकले हुए दिन कितने हो गए, 10-11-12 दिन तो हो गए होंगे शायद। 7 भी नहीं बजे, 7:10 है, सही टाइम से पहुँच गया एकदम। सीधा जा रहे अपने होटल की तरफ। मार्केट से कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है, क्योंकि जो 2 बैग मैंने टांगे हुए हैं ना, मैंने और साहिबा ने, पूरे फट चुके हैं। राजू भाई ने तो पहले ही फेंक दिए थे, हमारे भी ना साइड से उधड़ गए हैं। मतलब बारिश वारिश में जाएंगे पूरा अंदर पानी जाएगा, वाटरप्रूफ नहीं रहेगी अब तो। सोच रहे मार्केट से 1-2 बैग खरीद के इन बैग को यहीं छोड़ के उन बैगों में सामान डाल के पीछे बंजी से बांध ले, प्लान तो ये कर रहे हैं। एक बार होटल पहुँच जाते उसके बाद डिसाइड करते क्या करना है। ओ भाई साहब, दीदी ने रेस तेज कर दी थी सामने से ऑल्टो की, मेरे को लगा नहीं निकलेगी लेकिन निकल गई। बहुत पावर है भाई साहब हमारी उस्ताद जी में। यहीं से लेफ्ट जाना अपने को ना, वो आगे मार्केट है। गाड़ी आ रही है गली से, गलियों से निकलते हुए पहुंच गए हम लोग अपने ड्रैगन रेजिडेंसी। क्या हाल चाल, कैसे हैं? ठीक है एकदम बढ़िया। तुम्हारी मूछें बढ़िया लगती है मेरे को ना। लो जी पांचों की पांचों बाइक यहाँ पहुंच चुकी है। टाइम 7:25, भाई भी आ चुके हैं। भाई ने आज इतनी स्पीड में चलाई धरती फाड़ दी है वहां से। मैंने नहीं, हाँ सोमनाथ ने इतनी तेज चलाई है, बाइक रोकते ही भागा, उसको पोटी आ गई थी। चलो हम भी चलते रूम में सेटल होते, फिर देखते मार्केट शायद जाएंगे घूमने के लिए शायद। लो भाई चाय पकौड़े आ गए, भूख इतनी तेज लग रही थी ना, बैठने का भी टाइम नहीं है, यहीं पर खाने शुरू कर दिए, यहीं खड़े खड़े यहीं खत्म हो जाएंगे। मजेदार कैंपिंग वाली वीडियो देख रहे हो, कैंपिंग करनी पड़ती है वहाँ तो। मैं आपको बताऊँ अभी बैठ के हम क्या प्लान कर रहे थे। हम यहाँ से सोच रहे थे मनाली जाए, और मनाली का कौन सा रूट ले, हम ले पदुम वाला, पदुम होते हुए फिर उसके बाद गोम्बा रंजन, फिर वहाँ से सीधा मनाली। लेकिन उसमें दिक्कत ये कि यहाँ से ना सिर्फ संडे और वेडनेसडे को छोड़ रहे हैं, और कल संडे है, और अभी हम चाहते ना एक आधे दिन का रेस्ट ले ले, क्योंकि अभी इतनी राइड करके है ना, मैंने रेस्ट बीच में कभी भी नहीं लिया। एक दिन बीच में लिया था, यहीं पर लिया था इसी होटल में, लेकिन हम सोचे कल का रेस्ट और ले ले, परसों निकले, लेकिन परसों है मंडे तो मंडे जाने नहीं देंगे, फिर हमें 3 दिन का रेस्ट हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूजडे, फिर वेडनेसडे जाना पड़ेगा, और 3 दिन हम रुकना नहीं चाहते। हम चाहते कल का रेस्ट लेके परसों निकल जाए,
अब समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, और कल निकल गए तो निकल गए, नहीं तो फिर 3 दिन बाद निकलेंगे, नहीं तो दूसरा रूट फिर वो सरजू होता हुआ जाएगा, वो पड़ता कोई 450 किलोमीटर, ये पड़ता कोई 350 किलोमीटर, 370 किलोमीटर का फर्क है। लेकिन ये रूट नया है, मैंने भी अभी तक देखा, तो मैंने सोचा देख लेता हूँ। अब दिमाग में ना बहुत होच पोच चल रही, करे तो करे क्या। और कल वहाँ पर पता नहीं क्या खाया था भाई, दांत में ऐसा अटक गया ना, इतना दर्द हो रहा ना मेरा दांत, टूथपिक मार मार के ना 3 टूथपिक खराब कर दिया, लेकिन वो चीज़ बाहर ही नहीं आ रही, अंदर फंसी हुई है। भाई तेरा लैपटॉप बहुत सही है यार, लग रहा है। हाँ क्या बढ़िया लग रहा है, और लाइट चेंज भी हो रही। हाँ। क्या कह रहा है? 125। देखो देख रहे हो आप पे गया बिल्कुल, मैंने रेट नहीं पूछा, रेट बता रहा है ये, तुमने जो ट्रेनिंग दी है ना इसको, अपने आप लग रहा है लैपटॉप अच्छा लग रहा है। 125 आपके सोने की चेन अच्छी लग रही है राजू, में बोले कि 2 लाख। दस तोला गुगा भी बोला भाई साहब, अब तो गया ना ऊपर से ओ भाई, ओ लग जाएगी देखो, लग जाएगी, लग जाएगी, वो भाग ले तू भाई, टांग बाजू टूट जाएगी, अभी राइड कंप्लीट नहीं हुई है भाई, टांग बाजू टूट जाएगी। ओए भाई देखो ये तो चलता रहेगा, इस लोग को यहीं पे एंड करते हैं, अभी तक हमारा फाइनल नहीं हुआ, हम निकलेंगे कहाँ से निकलेंगे, कौन से रूट से निकलेंगे, प्लान बना रहे हैं। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, लाइक से भी लाइक करें भी तो बिल्कुल मत जाना, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मिलते किसी बैठे बाय 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 बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।